हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह हम करेले को अपने घर पे ही उगा सकते हैं और खा सकते हैं, इसको कितनी धूप कितनी छाँव की ज़रूरत है, कब कब इनको फर्टिलाइज करना है यानी खाद देनी है, कौन कौन से कीड़े इस पर अटैक करते हैं, कौन कौन से कीड़ों का हमला होता है, उससे किस तरह बच सकता है, तो आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा घर में लाए गए करेले, जो हम सब्जी बनाने के लिए करेले लाते हैं, उसमें अक्सर उसकी बीजें लाल होती हैं और वो हम बीज फेंक देते हैं, क्योंकि करेले के अंदर जब बीज लाल हो जाए तो हमने उसको पकाना नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी हो जाती है और वो हम खा नहीं सकते। हम ऐसी बीज पकाते हैं जो सफ़ेद हो। तो आपके घर के किचन की जो भी करेले की ज़रूरत है, आपके घर में कितना करेले की सब्ज़ी इस्तेमाल होती है, कितना करेला बनता है, उसी हिसाब से आप उसके पौधे लगाएं। तो जितने भी करेलों में लाल बीज नज़र आ रहे हैं, आप उसमें से लाल वाला पल्प हटा दें, लाल वाला गूदा हटा दें और उसके अंदर जो बीज निकलेगा उस बीज को आप अलग अलग गमलों में चाहें या एक ही गमले में, बड़े गमले में चाहें एक साथ लगा दें या इसकी पनीरी तैयार करके लगाएं, इट्स अप टू यू। मैंने इसको डायरेक्ट बड़े गमले में ही लगाया है, 12 इंच के गमले में, अलग अलग पनीरी इसकी तैयार नहीं की है। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का इतना बड़ा गमला है तो आप मिट्टी के गमले यानी टेराकोटा पॉट भी ले सकते हैं। ये देखें आप, सिर्फ 7 दिनों के अंदर जर्मिनेशन हो चुकी है, यानी कि एक करेले का पौधा निकल चुका है, किल्ला फूट चुका है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है और अभी तक मैंने जितने सीड लगाए थे ग्रो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सीड ग्रो होने के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। बाकी के सीड भी आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट हो रहे हैं और ये जितने भी पौधे निकलेंगे इसी में रहेंगे। अगर इसमें ज़्यादा पौधे लगते हैं मुझे, तो मैं इसमें एक आध पौधा निकाल कर अलग कर दूँगी। इतने बड़े गमले में बेल वाले पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 रख सकते हैं। बीटर गॉड की, बीटर मेलन यानी करेले की ये सीडलिंग है और इसके पत्तों के नीचे भी हमें चेक करते रहना है कि अगर पेस्ट अटैक होता है, कीड़ों का अटैक होता है, तो हम इसको हफ्ते में एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, बीज से पौधा 1 महीने का बड़ा हो जाए और 1 महीने के बाद आप इसको हर महीने फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें। सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए है काउडम कंपोज यानी गोबर की खाद। अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोज भी बना सकते हैं। घर की किचन की जो सब्जियों का जो कचरा होता है उसको भी खाद के तौर पर बनाया जा सकता है। दोस्तों, करेले की बेल में आपने अक्सर स्प्रिंग देखे होंगे, तो स्प्रिंग की जब नीडल निकलनी शुरू हो जाएं, स्प्रिंग की टहनियाँ, तो आप इसको सपोर्ट दें। इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही तेज़ी से दूसरे पौधों को अपनी लपेट में ले लेती है, तो इसको किसी किस्म की सपोर्ट दे दें। ये तो डंडियाँ लंबी लंबी इसमें बांस गाड़ दें या पतली पतली डंडियाँ लगा कर, या फिर आप जाल बना हुआ आता है प्लास्टिक का या लोहे का, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं धूप की रिक्वायरमेंट की। तो करेले की बेल को 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। तो जहाँ आपके घर में बालकनी में या टेरेस में या सीढ़ियों पर, जहाँ पे भी इतने घंटे की धूप आती है, वहाँ एक छोटे से गमले में, छोटी सी थैली में भी आप करेले का पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों, करेले की बेल में जब करेला 4 या 5 इंच का हो जाए तब आप उसको हार्वेस्ट कर लें। ज़्यादा पीला होने ना दें, क्योंकि फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह हमने बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पर करेला उगा लिया है, करेला उग गया है। तो आप भी इसी तरह कंटेनर गार्डनिंग, इसी तरह होम गार्डनिंग करें और अपने घर में सब्जियाँ उगाएँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे करेले की बेल में 60 से 70 दिन में भर भर के करेले आ रहे हैं और इसको हर महीने में फर्टिलाइज भी करना है और अपने घर में मज़ेदार ऑर्गेनिक करेले का मज़ा लेना है। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग को। दुआ गार्डनिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।